नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नहीं रहे चढ़दी कला टाइम टीवी ग्रुप के डायरेक्टर सरदार सतबीर सिंह दर्दी, 20 फरवरी को होगी अंतिम अरदास। पश्चिम बंगाल में भी सुनाई देगी अब किसान आंदोलन की गूंज, किसान नेता राकेश टिकैत ने किया ऐलान। लाल किला हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी, पुलिस ने मनिंदर सिंह नामक शख्स को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पटियाला में स्थित चढ़दी कला टाइम टीवी ग्रुप के मालिक सरदार जगजीत सिंह दर्दी जी के छोटे बेटे और चढ़दी कला टाइम टीवी ग्रुप के डायरेक्टर सतबीर सिंह दर्दी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। सरदार सतबीर सिंह दर्दी जी का कल निधन हो गया है। उनके अंतिम संस्कार पर समस्त शहरवासियों सहित सभी राजनीतिक और गणमान्य लोग वहां पहुंचे, जहां सभी गणमान्य लोगों ने चढ़दी कला टाइम टीवी ग्रुप के मालिक सरदार जगजीत सिंह दर्दी जी के साथ शोक व्यक्त किया। 20 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक पटियाला स्थित गुरुद्वारा श्री मोती बाग साहिब में सरदार सतबीर सिंह दर्दी जी के निमित्त अंतिम अरदास की जाएगी। किसान आंदोलन की गूंज अब जल्द ही पश्चिम बंगाल में भी सुनाई देने लगेगी। किसान संगठनों ने फैसला किया कि बंगाल में पंचायतें की जाएंगी। रोहतक जिले के सांपला में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश अब एक साथ खड़ा है और आने वाले दिनों में पूरे देश में पंचायतें की जाएंगी और साथ ही बंगाल में भी पंचायत की जाएगी। वहीं गुरनाम सिंह चौधरी ने भी बंगाल चुनाव में किसान आंदोलन को समर्थन न करने वालों के खिलाफ वोट डलवाने की बात कही और कहा कि बंगाल में भी पंचायतें की जाएंगी। दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने लाल किले पर हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक मनिंदर सिंह उर्फ मोनी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही उसके तलवारों को भी जब्त किया गया है। इससे पहले पुलिस ने दीप सिद्धू समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एसीपी अतर सिंह के सुपरविजन में इंस्पेक्टर शिव कुमार, इंस्पेक्टर पवन कुमार और इंस्पेक्टर करमवीर की अगुवाई में पुलिस टीम ने मनिंदर सिंह को पीतमपुरा से गिरफ्तार किया है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक ट्रेनें रोकेंगे। अभी तक लोकल स्तर 28 जगह तय हुई हैं जहां किसान ट्रैक पर बैठेंगे। इससे गुरुवार को प्रदेश से चलने वाली करीब 30 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हो सकती हैं। वहीं रेलवे, आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त रणनीति बनाई है। हरियाणा पुलिस से भी मदद मांगी गई है। जीआरपी और आरपीएफ में जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हरियाणा से गुजरने वाली देश के बड़े रेलवे ट्रैकों पर पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। संवेदनशील क्षेत्रों की लिस्ट तैयार की जा रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने टूलकिट मामले में गिरफ्तार एक्टिविस्ट दिशा रवि पर ट्वीट मामले में फिर से तीखा कटाक्ष किया है। ट्वीट को लेकर बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज करने की मांग पर विज ने कहा है कि ये अंग्रेजी स्कूल के पढ़े हुए लोग हैं, इन्हें हिंदी समझ में नहीं आती है। उन्होंने देश विरोधी सोच का नाश करने के लिए कहा है, व्यक्तियों का नाश करने के लिए नहीं। विज ने कहा कि व्यक्तियों का तो हम शुद्धिकरण करना चाहते हैं, किसी के दिमाग में अगर देश विरोध का बीज है तो उस बीज को नष्ट करना चाहिए। बाकी कोई भी एफआईआर दर्ज करवाए हम उसका जवाब देंगे। किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने निकिता को 3 हफ्ते की ट्रांजिट एग्जाम जमानत दे दी है, यानी इस दौरान दिल्ली पुलिस निकिता को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जस्टिस पीडी नायक की बेंच ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए औरंगाबाद बेंच के फैसले का भी जिक्र किया, जिसके बाद निकिता जैकब को राहत दी गई है। देश में पेट्रोल व डीजल की कीमतें हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही हैं, वो भी तब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी कम हैं। भारतीय लोग 1 लीटर कच्चे तेल की तुलना में पेट्रोल के लिए 4 गुना भुगतान कर रहे हैं, लेकिन अगर तेल पर कुछ टैक्स कम हो जाए तो ऐसी त्राहिमाम से बचा जा सकता है। दिल्ली में पेट्रोल का मूल्य 99 रुपए प्रति लीटर हो गया है और हरियाणा में बुधवार को पेट्रोल के दाम 87 रुपए 3 पैसे हो चुके हैं। वहीं डीजल का भाव 80 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर है। वहीं चंडीगढ़ में बुधवार को पेट्रोल 88 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम 86 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर हो गया है। दून कल्याण परिषद सोसाइटी द्वारा एक मीटिंग प्रधान अनंत राम की अध्यक्षता में की गई। सोसाइटी के प्रधान अनंत राम ने बताया कि बाढ़ गोदाम गांव में अवैध रूप से स्टोन क्रशर लगाए हुए हैं, वे ईंट भट्टे लगे हुए हैं जिस कारण प्रदूषण फैल रहा है और जिससे इलाकावासियों को सांस लेने में दिक्कत होती है। वायु प्रदूषण के कारण आसपास बच्चों के स्कूल पर भी इसका असर पड़ रहा है, जिस कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस विषय पर सोच विचार किया गया और मीटिंग में निर्णय लिया गया कि इस समस्या के बारे में प्रशासन को अवगत करवाया जाए, जिसके तहत लोगों ने कालका तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा ताकि उपरोक्त ईंट भट्टे क्रशर तुरंत प्रभाव से बंद करवाए जाएं।
पुलिस प्रशासन की सतर्कता के बावजूद बेखौफ अपराधी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। कलायत रेलवे रोड ओबीसी बैंक के पास एक कपड़ा व्यापारी की दुकान के सामने अज्ञात व्यक्ति ने गाड़ी में से कपड़ा व्यापारी की ओर फायर किया, जिसमें वह बाल बाल बच गए। सूचना मिलते ही पुलिस व डीएसपी सुनील कुमार और सीआईए टीम मौके पर पहुंची और छानबीन की जा रही है। कलायत में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, जिससे शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। वही मौके पर पहुंचे डीएसपी सुनील कुमार ने जल्द ही आरोपियों के पकड़े जाने का आश्वासन दिलाया है। सूचना मिली थी कि सुबह सुबह करीब 10:15 बजे के करीब 10:15 बजे के करीब यहाँ फायरिंग इंसिडेंट हुआ है, तो मौके पे पहुँच के हमने जानकारी जुटाई है और सीन ऑफ क्राइम विजिट किया है। तो यहाँ पर एक गाड़ी में हमलावर आए और शेखर, जिसकी दुकान है, उसके ऊपर किसी पुरानी रंजिश को रखते हुए उन्होंने फायर किया है। तो उसके संबंध में हमने FIR दर्ज कर रहे हैं उसके संबंध में, और FIR दर्ज करने के बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जाए। मामला फरीदाबाद का है, जहां 2 नंबर इलाके के एक कमरे के अंदर प्रेमी और प्रेमिका की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। प्रेमी युगल ने गोली मारकर आत्महत्या की है। इस मामले सस्पेंस ये है कि मरने से पहले लड़के ने अपने कुछ दोस्तों को एक मैसेज भेजा था, जिसमें उसने प्रेमिका पर बेवफाई का आरोप लगाकर उसे सबक सिखाने की बात कही थी। फिलहाल पुलिस मामले में आत्महत्या के नजरिए से जांच में जुट चुकी है। हमें करीब 12:16 पे कॉल आई है हेड कांस्टेबल अमर सिंह की, पर्वत कॉलोनी चौकी से हैं वो जी। उन्होंने बताया जी आपके यहाँ एरिया में सिवाला कॉलोनी के पीछे यहाँ पे कोई सुसाइड हो गया है। हम मौके पे पहुँचे हैं, पता चला है एक लड़की है प्रिया नाम की, उम्र 26 साल, जो हर रोज़ अपने जॉब के लिए गुड़गांव जाती थी। कल रात को वो अपने घर पर नहीं पहुँची, तो उन्होंने उनके परिवार वालों ने चिंता जाहिर करते हुए शिकायत दी चौकी में। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस लड़की के मोबाइल की लोकेशन टेस्ट कराई और FIR दर्ज कर दी। लोकेशन टेस्ट करते हुए यहाँ तक पहुँचे, यहाँ पहुँच के देखा मकान मालिक को देखे पहुँचे यहाँ पे कमरे में, तो देखा भाई उन्होंने सुसाइड की हुई है। उन्होंने हमें कॉल किया, हमने सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई है, फोटोग्राफ वगैरह कराए, बॉडी लेके हम बीके जा रहे हैं। किस तरह कमरे के अंदर जब आप पहुँचे तो किस तरह के हालात कमरे के अंदर थे? दोनों लड़के और लड़की दोनों की बॉडी पड़ी हुई थी फर्श पे, और उनके हाथ में, लड़के के हाथ में देसी कट्टा था जिसे उन्होंने अपने आपस में सिर में मारी है। दोनों की गोलियाँ, दो कट्टे थे दोनों में से गोली, अभी तो जांच में पता चलेगा, बाकी सुसाइड का मैटर है फिलहाल देखा जा रहा है। कस्बे में बढ़ती फिरौती और गोली चलाने की घटना से नाराज कस्बे के व्यापारियों और दुकानदारों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए और रोष प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुराने नगरपालिका कार्यालय में DSP कार्यालय में जमा हुए सैकड़ों व्यापारी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कैंची चौक से होते हुए SDM कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी करने लगे। दुकानदारों ने SDM और DSP के आश्वासन मिलने पर धरना शांत किया और साथ ही कार्रवाई न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी। कलायत उपमंडल के बड़े गांव मटौर में दिल्ली में 3 महीने से चल रहे किसानों के आंदोलन को धार देने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना समर्थन देकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने मोदी सरकार को चेताया कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।